ऑलराइट दोस्तों, काफ़ी दिनों से न्यूज़ आ रही थी पोको F4 के ऊपर, लेकिन फाइनली अब जाकर दोस्तों कंफर्म हुआ है ये फ़ोन जो है वो एक रीब्रांडेड फ़ोन होने वाला है। और इसके साथ ही दोस्तों इसके जो स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स है वो भी कंफर्म हो चुके हैं और इंडिया में ये रीब्रांडेड होकर आने वाला है। और ये जिस फ़ोन का रीब्रांडेड फ़ोन है वो फ़ोन ऑलरेडी दोस्तों चाइना में कुछ दिन पहले लॉन्च हो चुका है रेडमी K40S के नाम से। रेडमी की K सीरीज़ चाइना में पिछले साल लॉन्च हुई थी, लेकिन इस साल भी दोस्तों K50 सीरीज़ के साथ K40 सीरीज़ का भी एक फ़ोन मिला है और वो फ़ोन इंडिया में पोको F4 के नाम से आपको मिलेगा। तो पोको F3 इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था, पोको F3 GT आया था, लेकिन इस बार दोस्तों आपको पोको F4 जो है वो मिलने वाला है, वो अब कन्फर्म हो चुका है। तो फ़ोन के जो फीचर्स है वो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आगे हम लोग सब कुछ बात करेंगे, स्पेसिफिकेशंस, इंडियन प्राइसिंग और इंडियन लॉन्च सब कुछ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको यहाँ पर डेली देखने को मिलते रहेंगे। खैर चलिए वीडियो सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात की जाए यहाँ पर इस फ़ोन के डिज़ाइन की, तो Redmi K40S की डिज़ाइन आपको कुछ इस तरीके की मिलती है, लेकिन मे भी जब ये फ़ोन पोको के ब्रांडिंग के नीचे इंडिया में लॉन्च होगा तो कुछ यहाँ पर चेंजेस हमें डिज़ाइन में मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल जो अब तक यहाँ पर Redmi K40S की डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छी है, अगर सेम डिज़ाइन के साथ आता है तो भी यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा बात करूँ दोस्तों इस फ़ोन के फ्रंट साइड के डिस्प्ले की, तो 6.67 इंचेस की यहाँ पर आपको फुल HD+ वाली E4 AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, लेटेस्ट जनरेशन की AMOLED डिस्प्ले है। तो ओवरऑल यहाँ पर डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, 120 Hz का रिफ्रेश रेट है, HDR10+ का आपको सपोर्ट मिलता है और Gorilla Glass 5 का आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलता है। तो डिस्प्ले वाइज फ़ोन दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है, यहाँ पर आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ डिस्प्ले ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर इस फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि ये आता है दोस्तों Qualcomm Snapdragon 870 वाले चिपसेट पर, जो कि 7 nm पर है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है। हालांकि 888+, 8 Gen 1 ये सब आ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको एक फ्लैगशिप लेवल का ही प्रोवाइड करता है। तो परफॉर्मेंस से भी यहाँ पर आपको कोई शिकायत होगी नहीं और ऊपर से यहाँ पर आपको LPDDR5 RAM मिलेगी और UFS 3.1 का स्टोरेज मिलता है। तो रीड और राइट स्पीड और ये सारी चीज़ें मिलाकर यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। कैमराज की दोस्तों बात करूँ तो यहाँ पर डिस्प्ले, परफॉर्मेंस सब कुछ अच्छा है और कैमरा भी दोस्तों इसका अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपको रियर साइड में 3 कैमरे देखने को मिलते हैं, जहाँ पर 48 MP का प्राइमरी है, लेकिन उसमें आपको OIS का सपोर्ट मिलता है। तो ये पहली बार आने वाला है, क्योंकि पिछले साल जो पोको F3 था उसमें OIS नहीं था, लेकिन इस बार आपको OIS का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा 8 MP अल्ट्रा वाइड है और 5 MP का मैक्रो लेंस है। एंड इसके अलावा फ्रंट साइड में होगा दोस्तों 20 MP का सेल्फी कैमरा। तो कैमरे भी इस बार आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। और इसके अलावा 4500 mAh की बैटरी है और साथ में आपको 67 W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर भी कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा, 40-45 मिनट के अराउंड आपका मोबाइल 0 से 100% चार्ज हो जाएगा। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ड्यूल स्पीकर ज़रूर होंगे, इसके अलावा यहाँ पर आपको आयर ब्लास्टर वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा, सभी सेंसर आपको देखने को मिलेंगे, जो भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें तो यहाँ पर होंगी ही। एक 3.5 mm का जैक यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें होंगी। खैर इसके अलावा बात करूँ दोस्तों फ़ोन की प्राइसिंग की, तो चाइना में इसकी जो प्राइस है वो दोस्तों इंडियन प्राइस में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 21,000 देखने को मिली है। तो इंडिया में ओबियसली इस प्राइस के ऊपर तो हमें नहीं मिलेगा 21,000 में, लेकिन इसकी जो प्राइस इंडिया में होगी वो आपको 25,000 या फिर उससे ऊपर देखने को मिल सकती है। अगर 25,000 में आ जाता है तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए इस प्राइस रेंज में, लेकिन यहाँ पर 25,000 से थोड़ी सी ऊपर प्राइस हो सकती है, 25 से 30 के बीच में यहाँ पर प्राइस देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी Xiaomi के काफ़ी सारे फ़ोन हैं दोस्तों इस प्राइस रेंज में अभी अभी नए लॉन्च हुए हैं। तो 25 से नीचे नहीं, लेकिन 25,000 से ऊपर आपको इसकी प्राइस देखने को मिलेगी। एंड लॉन्च डेट की दोस्तों बात करूँ तो Q2 2022 में ये लॉन्च होने वाला है, मतलब अप्रैल, मई या फिर जून। अब जून तक तो जाएगा नहीं, लेकिन मई भी दोस्तों अप्रैल एंड या फिर मई के स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 वीक में आपको ये इंडिया में देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियली न्यूज़ है नहीं, लेकिन मई भी यहां पर जो है अगले 1-1.5 महीने में ये फ़ोन आपको दोस्तों इंडिया में देखने को मिल जाएगा। खैर आपका क्या कहना है इस फ़ोन के ऊपर वो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही वीडियोज़ यहाँ पर आपको डेली देखने को मिलते रहेंगे।